पीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शरद पवार के घर पर हुए हमले के विरोध में राष्ट्रवादी का मूक प्रदर्शन। नागपुर के गांधी पुतला परिसर में आभा बिजू पांडे के नेतृत्व में हुआ आंदोलन। नागपुर की प्रियंका खांडेकर ने CDS परीक्षा में प्राप्त किया चौथा स्थान। देश की सेवा करने का लक्ष्य हुआ प्राप्त। और नागपुर पुलिस को वर्ष 2020 के लिए मिला पुरस्कार। अमितेश कुमार ने किया पुरस्कार स्वीकार। और अब खबरें विस्तार से। शरद पवार के घर पर हुए हमले के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आज पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया। इसी कड़ी में नागपुर के गांधी पुतला परिसर में आभा पांडे के नेतृत्व में मूक प्रदर्शन किया गया, जिसमें राष्ट्रवादी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कालचा जो हल्ला शरद पवार साहेबांच्या घरी झाला, तो भ्याड हल्ला, त्याचा आम्ही निषेधार्थ आम्ही इथे सगळे बसलेलो आहोत। कारण आम्ही सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गावर चालणारे लोक आहोत, म्हणून आम्ही गांधीजींच्या पुतळ्याच्या बाजूला आम्ही इथे बसून निषेध नोंदवत आहोत। कारण कुठे ना कुठे पुरोगामी विचारांची हत्या महाराष्ट्रात झालेली आहे आणि कालचा काळा दिवस आमच्या नोंदवहीत ते नोंद झालेला आहे, महाराष्ट्राच्या नोंदवहीत नोंद झालेला आहे। आणि असा काळा दिवस ज्या लोकांनी घडवून आणला, त्यांच्या मागचे मास्टर माइंड कोण, त्यांना कठोर शिक्षा होण्याकरता आम्ही सगळे इथे एकत्रित येऊन बसलो आहोत। आणि प्रशासनाला, महाराष्ट्र शासनाला सुद्धा निवेदन करत आहोत की जो कोणी याच्या मागचा मास्टर माइंड असेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई ही झालीच पाहिजे। कारण कुठे ना कुठे महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरेला कफास लावण्याचा प्रयत्न ज्या लोकांनी केलेला आहे, त्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, म्हणून आम्ही इथे बसलो आहोत। धुले शहर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षु पुलिस को बीती रात खाना खाने के बाद अचानक परेशानियां होने लगी, उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके चलते 68 लोगों को तत्काल एम्बुलेंस से हीरे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इलाज शुरू होने के बाद उनकी हालत स्थिर हुई। वहीं अब किसी को कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसी जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार पाटिल ने दी है। नवनियुक्त पुलिस छात्रों को धुले स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया जाता है। इस स्थान पर उनके रहने के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। उन्हें दोपहर और रात का खाना भी समय पर दिया जाता है। बीती रात के खाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पल भर में एक के बाद एक खाना खा चुके 29 प्रशिक्षुओं को उल्टियां होने लगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उन्हें एम्बुलेंस से हीरे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। प्रारंभिक जाँच में ये सामने आया कि उन्हें भोजन या पानी से विजबाधा हुई है। हालांकि समय पर इलाज के कारण सभी की हालत स्थिर हो गई, ऐसा डॉक्टर ने कहा। आजाद मैदान में शरद पवार के खिलाफ ST कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, लेकिन अब जब उन्हें आजाद मैदान से हटा दिया गया तो नाराज ST कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर निदर्शनों के साथ आंदोलन किया। इस वक्त पुलिस का बंदोबस्त देखने को मिला। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम स्टेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा ST स्टाफ ने कहा है। मैं सबसे अनुरोध पहले करूंगा कि रेलवे परिसर को, ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत भीड़ रहती है, फुटफॉल ज्यादा रहता है, तो कृपया रेलवे परिसर से बाहर चले जाएंगे और जिसके पास वैलिड टिकट है उसको उनकी गाड़ियों में सम्मान से बैठाया जाए। अभी इनको हम लोग पहले टिकट चेकिंग करवा रहे हैं, जिनके पास वैलिड टिकट है वो प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे, लेकिन जिनको किसी गाड़ी से जाना है उनको भेज दिया जाएगा। थैंक यू। नागपुर शहर की प्रियंका संतोष खांडेकर ने अपने पिता की तरह वर्दी पहनने का जज्बा पाला, साथ ही देश की सेवा करने की लक्ष्य प्राप्ति के साथ आसमान छू लिया। प्रियंका ने UPSC द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा CDS परीक्षा में भारत से चौथा स्थान एयरफोर्स में प्राप्त किया है। हर लड़की का सपना होता है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ करे, पर एक सहायक पुलिस आयुक्त के घर में पली लड़की ने आसमान को छूने के सपने देखा और उसे पूरा किया। नागपुर शहर की प्रियंका संतोष खांडेकर ने देश के प्रतिष्ठित कॉलेज VNIT से इलेक्ट्रॉनिक्स में BTEC पूरा करने के बाद उसने लाखों रुपए के पैकेज का लालच छोड़ दिया और अपने पिता की तरह वर्दी पहनने का जज्बा पाला। साथ ही देश की सेवा करने की इस बालिका ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करते हुए UPSC द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा CDS परीक्षा में भारत में चौथा स्थान एयरफोर्स प्राप्त किया। उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी चुना गया है और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित AFCAT परीक्षा से भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भी चुना गया है। प्रियंका जरीपटका विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त संतोष खांडेकर और शारदा खांडेकर की पुत्री है। प्रियंका ने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया।
प्रियंका और उनके माता पिता की दोहरी सफलता के लिए दिल के गहराइयों से बधाई दी। वर्ष 2020 के दौरान अपराधों पर नकल कसने, बेहतरीन जांच के अलावा जनता के बीच एक सराहनीय छवि बनाने के लिए नागपुर शहर पुलिस को बेस्ट कमिश्नरेट अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस के पुलिस महासंचालक रजनीश सेठ के हाथों शहर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। नागपुर पुलिस को वर्ष 2020 के लिए बी श्रेणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस श्रेणी में वे पुलिस आयुक्तालय वाले शहर आते हैं जहाँ हर वर्ष अपराधों की संख्या 6000 से अधिक होती है, जबकि ए श्रेणी में 6000 से ज्यादा रखा गया है। ऐसे में ए श्रेणी में होने के बावजूद जघन्य अपराधों का खुलासा, गहन जांच, आरोपियों की दोष सिद्धि, प्रशासन, स्थापना और जनसंपर्क आदि कार्य आते हैं। इन सभी कार्यों में वर्ष 2020 के तहत नागपुर पुलिस द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार। हमारे देश में नशा एक ऐसा अभिशाप बनकर उभर रहा है जो हमारे युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है और साल दर साल इन युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर में भले ही पुलिस की ओर से नशे के व्यापारियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता को भी इस मुद्दे के बारे में अपने बच्चों को समझाना चाहिए। उनका ये कर्तव्य है कि वो नशीले पदार्थ से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अपने बच्चों को जागरूक करें। आधुनिक जीवन शैली, बढ़ता तनाव, अकेलापन, दिनों दिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा, रोजगार संबंधित परेशानियां, असफल प्रेम संबंध, आर्थिक परेशानियां, भारतीय संस्कृति पर हावी पाश्चात्य जीवन शैली शायद इन युवाओं को झुकाव नशे की तरफ ले जाता है। वैसे तो नशा कारोबारियों पर हमेशा ही पुलिस की नज़र रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को नशीले पदार्थों के सेवन से रोके। यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि जो व्यक्ति नशा लेने का आदि हो जाता है वह व्यक्ति एक साथ कई सारी मुसीबतों को आमंत्रित कर देता है। जीवन में बीमारियों के अलावा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगती है, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी कंगाल हो जाता है तथा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी चीज को अभिभावकों को उनके बच्चों को समझाना चाहिए जिससे देश का युवा स्वस्थ और नशा मुक्त हो। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार। शुक्रवार को राकांपा नेता शरद पवार के घर पर एसटी कर्मचारियों द्वारा किया गया हमला बेहद ही निंदनीय है, ऐसा कहते हुए मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सदावर्ते पर की गई कार्रवाई उचित है। जिस तरह से उन्होंने एसटी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है बेहद ही गलत था, जिसके चलते उनके साथ ऐसी ही कार्रवाई अपेक्षित थी। हालांकि जिस तरह की हरकत एसटी कर्मचारियों ने की है वो बिल्कुल भी वैधानिक नहीं थी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है। नहीं, सदावर्ते पर कार्रवाई यापूर्वीच होण्याची अपेक्षा होती, थोड़ा आम्ही लेट झालो। ज्या भाषेमध्ये सदावर्ते कामगारांना भडकवत होते, त्यांचं संपूर्ण एसटी कामगारांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करायला निघाले होते। एकतर त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात कोर्टाच्या नावाखाली त्यांनी फीस वसूल केली आणि जी भाषा होती त्यांची ती भाषा तोडगा काढून कामगारांना न्याय देण्यासाठी नव्हती, तर ती भाषा कामगारांना भडकून उद्ध्वस्त करणारी होती। आणि काल घडलेली पवार साहेबांच्या घरावर जी काही घटना घडली ती अत्यंत निंदनीय आहे। या देशाचे एक ज्येष्ठ नेते म्हणून शरद पवार साहेबांच्याकडे आपण सर्वजण बघतो आणि काल अनेकांच्या ज्या प्रतिक्रिया होत्या विरोधी पक्ष नेत्यापासून की आंदोलन अशा स्वरूपाचं नसतं, कोर्टानी लढाईमध्ये ज्यावेळेस ज्या भाषेत ज्या आवेशात ते सांगत होते की पेन्शन लागू झालं, कुठे पेन्शन कोर्टाने मान्य केलं? जुनी योजना होती 1600 रुपये कोर्ट आमचं सरकार असताना मागच्या टर्ममध्ये किंवा आत्ताच्या आमच्या सरकारमध्ये 1600 रुपये त्याचीच पेन्शन होती, काय वाढवून दिली नाही किंवा लागू केली नाही। पण न केलेल्या कामाचं श्रेय हा सदावर्ते घेतो आणि लोकांच्या मनामध्ये आपल्या एसटी कामगारांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करतो। शाळा सुरू झाल्यात, पोरांचं अतोनात नुकसान झालं, लोकांचे हाल झाले, त्या संदर्भात या माणसाला काही देणं घेणं नाही आणि केवळ भडकाऊ करून भाषण करून कामगारांना उग्र स्वरूपाचं हिंसा करण्यासाठी उद्युक्त करणं हा केवळ एकमेव धंदा त्याचा होता। झालेल्या कारवाई इतर मला वाटते स्वामी यापेक्षा अधिक कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे। बघतो चला एक ब्रेक का मिळते, एक छोटेसे ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है।
सुरुचि मसाले। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। गाड़ी चलाने के शौक के चलते फरियादी की मुंह बोले भांजे ने ही अपने मामा की गाड़ी चुराने का मामला तहसील पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर उससे 3 गाड़ियां भी जब्त की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तहसील पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दरमियान उन्हें 2 युवक संशयास्पद अवस्था में दिखाई दिए, जिसके चलते उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें सामने आया कि उक्त गाड़ी फिरियादी संतोष नीनावे की है और कुछ दिनों पूर्व ही उन्होंने तहसील पुलिस थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज की थी। वही और कड़ाई से तफ्तीश किए जाने के बाद पता चला कि उक्त आरोपी फिरियादी का भांजा है और एक दिन के लिए उसने अपने मामा से गाड़ी ली थी। इस बीच उसने गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली और बाद में मौका मिलते ही उसने नंगा पुतले से फिरियादी की गाड़ी चुरा ली। पोलीस स्टेशन येथे अपराध क्रमांक 157/2022 भादवी 379 यातील फिर्यादी संतोष किसन निनावे यांची गाड़ी नंगा पुतला चौकीतून चोरी गेली होती। तपासादरम्यान असे निष्पन्न झाले की आरोपी जो आहे तो फिर्यादी यांचा मुंबोला भांजा आहे आणि भांजाला जेव्हा गाडीची आवश्यकता होती त्यावेळेस त्यांनी फिर्यादीकडून गाड़ी घेतली व गाड़ी त्यांनी एक दिवस वापरल्यानंतर ते गाड़ीची चावी त्यांनी बनवून घेतली व गाडीची चावी बनवून घेतल्यानंतर परत त्यांनी गाडी वापरून आपल्या मामाकडे दिली, फिर्यादी यांच्याकडे दिली। फिर्यादी यांच्याकडे दिल्यानंतर 1-2 दिवसांनी परत जो आरोपी आहे पीयूष राजेश रंगारे याने त्याचा मित्र सौरभ गजानन चतुरकर याच्यासोबत मिळून ती जी गाडीची डुप्लिकेट चावी बनवली होती ती गाडीची चावी त्या गाडीच्या चावीचा यूज करून ती गाडी त्यांनी वापरात आणलेली आहे। पेट्रोलिंग दरम्यान आम्हाला 2 संशयित असे मिळून आले, त्यांच्याकडे संशयितरित्या गाडी अशी दिसली, त्या गाडीला काही नंबर प्लेट वगैरे नसताना आम्ही त्यांना पोस्टेला विचारपूस करण्याकरता आणले। तसेच अभिलेखावर आम्ही त्या गाडीबाबत माहिती पाहिली की गाडी चोरीची आहे किंवा कशी, त्यावेळेस आम्हाला असे निष्पन्न झाले की गाडी ही चोरीची आहे। त्यावेळेस त्यांच्याकडून आम्ही 2 मोबाईल व 3 गाडी रिटर्न करण्यात आली, असा 97,000 मुद्देमाल आम्ही त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आला। जो पहिला आरोपी आहे पीयूष हा शिक्षण घेत आहे कॉलेजला, त्याला एक स्वभावच आहे बाहेर गाड्या वगैरे चालवायचा, तो या स्वभावाचाच आहे वृत्ती आहे त्याची ती की शौकीन म्हणता येईल आपल्याला त्या बाबतीत की गाडी चालवण्याचा शौकीन असल्यामुळे त्यांनी गाडी चोरली होती, त्याच्यामुळे आणखीन 2 गाड्या त्याच्याकडून आपण रिकवर केलेल्या आहे। शुक्रवार को राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष शरद पवार के घर पर जो हमला हुआ उसके बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस पर बात करते हुए राष्ट्रवादी नेता अमोल मिटकर, इन्होंने इस घटना के तार नागपुर से जोड़े थे, जिस पर बात करते हुए भाजपा के नगर सेवक धर्मपाल मिश्राम ने कहा कि अगर अमोल मिटकर के पास इस बात के सबूत हो तो वे पेश करें वरना पुलिस की कार्रवाई को झेले। साथ ही आगे बात करते हुए वे बोले कि बीते 5 महीनों से एससी कर्मचारियों के आंदोलन की शरद पवार ने दखल नहीं दी थी, जिसका नतीजा शुक्रवार को देखने मिला। काल शरद पवार साहेबांच्या सिल्वर ओकवरील बंगल्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत आक्रमक होऊन आंदोलन केल्याचं एक दुर्दैवी घटना या महाराष्ट्राने पाहिली।
आणि त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी असं म्हणले की या घटनेमागे नागपूरचं कनेक्शन आहे काय, त्याचा तपास झाला पाहिजे. मी त्यांना आव्हान देतो, जर अमोल मिटकरींजवळ अशा कोणत्याही पद्धतीचा पुरावा असेल तर त्यांनी तो पोलिसांच्या समोर उघड केला पाहिजे. आणि जर त्यांच्याकडे नागपूर कनेक्शनचा कोणताही पुरावा नसेल तर त्यांनी देखील पोलिसांच्या चौकशीला सामोरं गेलं पाहिजे. हे लक्षात घ्या, मागच्या 5 महिन्यापासून ST कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सातत्यानं या महाराष्ट्रानं अनुभवलेलं आहे. 5 महिन्यांपासून शरद पवार साहेब या आंदोलनाच्या संदर्भात एक शब्दाने देखील बोललेलं नाहीत. सरकारने एक पैशाने देखील कारवाई केलेली नाही. आणि म्हणून कदाचित आक्रस्ताळेपणापोटी, आक्रमकतेपोटी कदाचित या कर्मचाऱ्यांनी अशा पद्धतीचं आंदोलन केलेलं आहे. ही घटना दुर्दैवी आहे निश्चितच, परंतु याचं चिंता आणि याचा या घटनेच्या मागचा अभ्यास देखील होणं अत्यंत आवश्यक आहे असं देखील मला या महाराष्ट्राला निश्चितपणानं सांगावंसं वाटतं. 164 कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या या मागच्या 5 महिन्याच्या कार्यकाळात झालेल्या आहेत. यांच्या घरी खायला अन्न नाही, त्यांना पगार नाही, त्यांना सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचं दूर, त्यांच्या मागण्यांकडे डुंकून देखील पाहिलेलं नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये हा कर्मचारी जर आक्रमक होऊन अशा पद्धतीनं आंदोलन करणार असेल तर ती जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, ती जबाबदारी देखील फिक्स करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि या दृष्टीने देखील या सगळ्या गोष्टींचा उहाप आणि चर्चा झाली पाहिजे. कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन इस वर्ष नागपुर नगर निगम की ओर से दमकल विभाग द्वारा ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. बता दें कि जवानों में जोश और उत्साह बनाए रखने के लिए ड्रिल प्रतियोगिता कराई जाती है. वहीं नागपुर की 9 टीमों में इस प्रतियोगिता में भाग लिया है. दमकल विभाग के कर्मचारियों को हमेशा ही अलर्ट मोड में रहना पड़ता है. उनका काम बेहद ही पेचीदा होता है और इसी के चलते दमकल विभाग के कर्मचारियों में जोश और उत्साह बना रहे, इस उद्देश्य से हर वर्ष दमकल विभाग की ओर से मॉक ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. इसी कड़ी में इस वर्ष भी शहर में नागपुर नगर निगम की ओर से शनिवार मॉक ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस दरमियान विविध क्रियाओं को इस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया. इस संदर्भ में दमकल अधिकारी RD उचके ने अधिक जानकारी दी. नागपुर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागात जवानांमध्ये स्फूर्ती उत्साह कायम राहावा म्हणून ड्रिल कॉम्पिटिशन दरवर्षी घेण्यात येते. मागच्या 2 वर्षापासून ड्रिल कॉम्पिटिशन कोरोनामुळे बंद होते. 2 वर्षानंतर आता परत उत्साह ड्रिल कॉम्पिटिशन आज संपन्न झालेली आहे. त्यामध्ये अग्निशमन जे 9 केंद्र आहेत त्या 9 केंद्राच्या 9 टीम्सनी याच्यात सहभाग घेतला आणि अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आणि एकदम जोशपूर्ण वातावरणामध्ये ड्रिल कॉम्पिटिशन पार पडलेली आहे. या ड्रिल कॉम्पिटिशनमध्ये जे अग्निशमन विभागाचं कार्य आहे त्याच्याशी संबंधित ड्रिल आखण्यात आलेली आहे. ही जी स्टँडर्ड ड्रिल आहे पूर्ण भारत देशामध्ये याच पद्धतीने ही ड्रिल घेतली जाते. यात गाडीतून हुस काढणे, लॅडर पिच करणे, त्यानंतर वजन वरती ओढणे, कॅज्युअल्टीला स्ट्रेचरपर्यंत नेणे आणि परत हुस रोल करून पूर्ण मेकअप करून असं एक एकंदरीत पूर्ण ड्रिलचं स्वरूप असतं. आणि आमच्या 9 टीमनी अत्यंत चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे. आणि पहिल्या ज्या 3 टीम आहेत त्यामध्ये फक्त सेकंडचं अंतर आहे, त्यामुळे एकदम कॉम्पिटेटिव्ह आणि एकदम हेल्दी पद्धतीने ड्रिल संपन्न झालेली आहे. आणि हा जो उत्साह आहे हा अग्निशमन विभागाच्या कार्यामध्ये रिफ्लेक्ट व्हावा या उद्देशाने ही ड्रिल कॉम्पिटिशन आयोजित करण्यात आली. बता दें कि नागपुर की 9 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था. वहीं संपूर्ण देश भर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार. NCP के सर्वे सर्वा शरद पवार के घर के बाहर ST कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे तक प्रदर्शन किया. उसके बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि हम आज भी ST कर्मचारियों का समर्थन करते हैं, लेकिन गलत नीति के लिए कोई समर्थन नहीं है, ऐसा पवार ने स्पष्ट किया. आगे बात करते हुए वे बोले कि जो हुआ उस पर हैरान होने का कोई कारण नहीं है. यदि नेता बुद्धिमान नहीं है तो कार्यकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. राजनीति में मतभेद है लेकिन संघर्ष है. हालांकि आदिवासी भूमिका निभाने की महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है, ऐसा पवार ने कहा. नेता शहाणा नसला तर कार्यकर्त्यांचा सुद्धा दुष्परिणाम होतो, त्याचं उदाहरण आपण या ठिकाणी पाहिलं. ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये राजकारणामध्ये मतभेद असतात, संघर्ष असतात, पण
टोकाची भूमिका घेण्याची फरंफरा महाराष्ट्राची नाही, पण गेले काही दिवस हे जे काही आंदोलनाच्या माध्यमातून एस टी कर्मचाऱ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न होत होता तो शोभनीय नव्हता. एस टी कर्मचारी आणि आपला पक्ष यांचे घनिष्ठ संबंध होते. गेले 40-50 वर्षात त्यांचं एकही अधिवेशन माझ्याकडनं कधी चुकलं नाही, आणि ज्या ज्या वेळेस प्रश्न निर्माण झाले त्या प्रश्नाला हजार लावून सुधारण्याच्यासाठी आपल्या सगळ्या सहकार्यांनी कष्ट घेतले. याच वेळेला एक चुकीचा रस्ता काहीतरी दाखवला आणि त्याचे दुष्परिणाम आज या ठिकाणी आहेत. कारण नसताना जवळपास काही महिने घरदार सोडून एस टी कर्मचारी नोकरीच्या बाहेर राहिला आणि त्याच्यामुळं प्रचंड आर्थिक संकट त्याच्या कुटुंबावर आलं. जुजे अनेक काही व्यक्तींना चौकाची भूमिका घ्यावी लागली आत्महत्येसाठी, आणि त्यामुळं जे नेतृत्व अशी चौकाची भूमिका घेण्याची परिस्थिती निर्माण करते तेच नेतृत्व आत्महत्याच्या तत्सम गोष्टीला जबाबदार आहे, आणि त्याच्यातून जे काही नैराश्य आलं त्या नैराश्य कुठे काढणं फायदे म्हणून त्यांनी या ठिकाणी टार्गेट करायचा प्रयत्न केला. दुसरं काही त्याच्यामध्ये नाही. आपण सगळेजण एस टी कस्टमर लोक आहोत, आपण त्यांच्या पाठीशी आहोत, पण चुकीच्या नेतृत्वाच्या पाठीशी नाही. कुणी दाखवत असेल तर त्या रस्त्याला विरोध करणं हे तुमची माझी सगळ्यांची जबाबदारी आहे एवढंच मी सांगतो. थोडी माहिती तुम्हाला कळल्याच्या नंतर तातडीनं तुमच्यापैकी अनेक सहकारी इथं पोचले ते मी माझ्या पाहण्यात होतं, आणि त्यासाठी मी काही वेगळं सांगायची गरज नाही. संकट आलं तर आपण सगळे एक आहोत हेच तुम्ही दाखवलं, त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.